पंचुअलिटी अच्छी लगी, मेहनत की कमाई है, पर मुझे लग नहीं रहा पाई कर दिया। बता दो, भाग गए सारे, भाग गए। पाल का दिल लगा बेटा। जिमी ओ जिमी ओ, अकेले के लिए घुमाती है ना, ना बाटा सूर्य। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में हैं। तो भैया नींद बहुत ही अच्छी आई, बस अपने नहा धो के रेडी होते हैं और मम्मी ने जबरदस्त नाश्ता बनवा रखा है उसके लिए निकल। ठीक है, चलो मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ठीक है, तो भैया मैं तो हो गया हूँ रेडी और गोलू तक रेडी नहीं हुई, देख सकते हो। तो ये होता है थोड़ा सा, वुमेन लेट तैयार होती है और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल हो गई हूँ रेडी नहा धो के, और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर में। और चीकू के पापा मुझे कह रहे हैं चश्मा कौन लगाता है घर में, पर ये मेरा स्टाइल है। चले चल चलो। नमो नमो शंकरा। तो बहुत ही जबरदस्त व्लॉग है चीकू का, जिसने चीकू का व्लॉग कल वाला नहीं देखा जाके देखना, उसके अंदर इतनी मजेदार चीज हुई है ना, आपको अच्छा लगेगा देख के। बायो में लिंक है, जरूर देखो। मुझे यहाँ पे जो चीज अच्छी लगी ना, पंचुअलिटी अच्छी लगी, मतलब टाइम से सोना टाइम से उठना, ये सबसे अच्छी चीज है लाइफ में। और ये कह रही है कि ज्यादा बोल रही हूँ, मैंने इनको भी ये बात बोली थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि टाइम से नहीं सोता हर कोई। मैं भी ऐसी हूँ, टाइम से नहीं सोती, पर आपको देख के मैंने एक चीज सीखी है कि टाइम से सोऊंगी। माशाल्लाह, रोने मत ले जाइए सुबह सुबह। तो बोलू अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने, क्योंकि मम्मी हमारा वेट कर रही है ब्रेकफास्ट के टेबल पे। चले लेट हो रहा है। चलो चलो। आपको पता है आपके शेड्स का है? ये रे, देख लिया तो बोल दिया। पूरा ध्यान रखता हूँ मैं, शेड्स बिल्कुल नहीं छोड़ता भैया, मेरी मेहनत की कमाई देख है। दिया तो बोल दिया। अच्छा चलो, तो लखनीत भाई जा रहे हैं हमें किसी काम से छोड़कर, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी चंडीगढ़। ध्यान रखो, पहुंच के कॉल कर देना, मैं भी निकलूंगा। लग रहा हूं ना स्कूल जा रहा हूं कहीं, नहीं मुझे बैग लेके नहीं। अरे भैया स्कूल वाले बच्चे ऐसे नहीं होते। ये मेरी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड। बाय 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 बाबू। बाय भैया, बाय बाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर मम्मी से मिलने, और मैं दिखा देता हूँ पापा का फेवरेट क्या है। पापा का फेवरेट जितना आपको मीठा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारा का सारा पापा का फेवरेट है। घर में घुसते ही सबसे पहले जो मेरी नजर पड़ी मीठे पे, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। ऑस्कर से मिलके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ऑस्कर बिल्कुल शांत है, शीरू थोड़ा सा नॉटी है। तो मैं अभी मम्मी पापा से मिलवाता हूँ, पापा थोड़ा बिजी हैं और मम्मी यहाँ पे हैं, वेट कर रहे थे। सॉरी मम्मी, हम थोड़ा लेट हो गए, 5-10 मिनट। नहीं फिर भी टाइम से आए हो, बोला था आपने कि 10 बजे आ जाऊंगा, तो सही 10 बजे। नहीं हम थोड़े टाइम के पंचुअल रहते हैं। आपके से सीख के देखा ना मैंने कि टाइम से पंचुअल होना चाहिए बेटा। तो गाइस ये वाला जो रूम है ना, ये लखन भाई का रूम है, और लखन भाई बोल रहे मेरे रूम में आते आपको पता लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैसी मैसी रहता है, पर मुझे लग नहीं रहा, बहुत ही मजेदार लग रहा है मुझे तो। नहीं पापा। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां हैं, और सारी मम्मी ने अपने हाथों से, भाई मैंने लगाई है हर चीज का क्रेडिट मम्मी को। नाम बता देना, नाम बता क्या क्या। धनिया, धनिया, पुदीना और हरी सब्जियां। हरी कौन सी है? नाम बता। अरे हरी होती है यार, मम्मी भाई कोई भी क्रेडिट नहीं छोड़ते, ये झूठा है, झूठ बोल के अपने ऊपर ले लेता है। ये वाला जो रूम है ना, ये हमारे करण भाई का रूम है, करण भाई का, लखन भाई का नहीं है। अच्छा, करण भैया का। तो मैं अपने जो लखनीत भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक होम टूर करवाएं, और बहुत ही इंतजार है लोगों को। मम्मी ये होम टूर क्यों नहीं करवा रहा? पता नहीं बेटा क्यों नहीं करा रहा, ये मुझे सब लोग मिल गए। ये अपने सब्सक्राइबर्सों से, उनसे फॉलोअर्सों से सबसे झूठ बोलता है ये। तो मुझे पापा ना हर टाइम इसको खिंचाई चालू रहती है, मतलब ये है कि इसको बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ने देते, सारे काम चाहते हैं कि होने चाहिए। नहीं, जो हमारे पापा जी हैं इनका शॉर्ट नेम पाई है, और ये कितने टाइम से है? ये लखन ने शुरू किया, लखन छोटा ही था, जैसे पापा जी कहते थे ना, शॉर्ट फॉर्मेट पापा और जी दोनों को मिला के इसने पाई कर दिया। अच्छा जी, जैसे इसने लखनीत मिला क्या, लखन और नीतू दोनों के नाम को जोड़ के लखनीत कर दिया ना, वैसे ही मेरा पापा जी को मिला के पाई कर दिया इसने। भैया जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप भी ये शॉर्ट फॉर्म अपने पापा के लिए अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त खाना है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और सच में यहाँ आके इतना पॉजिटिव फील हुआ, एनर्जी मिली। बस अब आते जाते रहेंगे, बाकी मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे। बोलते तो पाई है। बताओ बच्चों को देख के कैसा लग रहा है?
नहीं सब जब घर में सारे सब बच्चे सब साथ में होते हैं मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई बाहर कभी बाहर से आता हूँ ना सबसे पहले इनसे मैंने कि ये कहाँ सबको पूछता हूँ। जरूरी भी होता है, देखो क्या है फैमिली जब तक ना दिखे ना आदमी को नींद नहीं आती, और फिर क्या फायदा, मतलब इतने कामयाब हम हो भी जाते हैं जब हमें फैमिली नहीं दिखती तो मजा भी नहीं आता। मुझे तो ये नीतू भी नहीं दिखती ना, जैसे गुस्सा मुझे आता है। अब मैं गुस्सा आता तो इस पे है और मैं इसकी मम्मी के नाम से निकाल देता हूँ कई बार। तो गाइस मम्मी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और अभी हम जाने हैं जबरदस्ती वीडियो बनाने के लिए। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे भैया ऐसा नहीं होता ये नहीं होता, मुझे देखो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच्ची के साथ हूँ। जब मैं सामने वाले के लिए खड़ा रहता हूँ ना तो उसको भी खड़ा रहना चाहिए, चाहे फिर वो मेरे घर वाले क्यों ना हो। तो गाइस अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको, मम्मी के पास एक हेलीपैड है जो पापा ने अभी बर्थडे वाले दिन गिफ्ट किया था। कब किया था मम्मी बता दो। भाग गए सारे, भाग गए सब निकल लिए। अब हमार पायल बैठेंगे चल के उसमें। मम्मी थोड़ा सा ना ये चीजें बताती नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। चलो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, मम्मी कह रही है यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है तो पहले वो दिखाती हूँ। आ जाओ। फिर हम लोग मंदिर से आए, मत्था टेके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली दिल को। और आगे मम्मी कह रही है यहाँ पे हेलीपैड भी है और उस साइड बहुत खूबसूरत लेक, दिखाना एक बार। ये दिख रहा है आपको सारा, ये सारा लेक है और ये सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है मम्मी ध्यान रखो, निकलते फिर है ना, मिलते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं। चलो ओके ओके नीतू और भाई को बाय बाय बोल दियो। ठीक है हाँ जी चीकू बोलो बेटा। Where are you, mama? Oh my God, I am coming. I am on the way. Only 10 minutes left. Okay. Where is dad? Dad is here only. Camera पकड़ रिंग। I'll तो मैं बात करूँ ना चीकू से? नहीं नहीं वो कैमरा। चीकू पापा is. How much time? How much time? 10 minutes baby. Okay. आपको चीकू को लिए लेके आया हूँ जबरदस्त छोटी सी प्यारी सी गन। फाइनली गाइस घर पहुँच गए, तो पायल का दिल लगा बेटा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर देखना आम कमरे में पड़े हुए थे। जिम में बेटू हाँ में बच्चा जिम से तो मिल ले। हाँ नाम भी इसका है, ये क्या पूपू कर रही है? ओ जिमी ओ नितिन भाई के लिए लेके आया हूँ जबरदस्त कैमरे लेंस। खुश हो जाएगा लड़का देख के, दिल खुश हो जाएगा। आगे बस नीचे ठीक हो? हाँ जी। गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है आप दूसरा लेंस लाए ना इस बार देख। आप कार्ड भी लेके आए हो? नहीं टूट गया कार्ड है। एक बार दो 128 के 64 का। कैसा लग रहा नितिन? पूरी फैमिली याद करी थी, मम्मी नीतू भैया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली आएगी। हाँ मेरे को फोन आया था गोलू का, मैंने नीतू से फोन पे तो बात की थी, तो मुझे कह रही थी भाभी आप क्यों नहीं आए, आप दोबारा आओगे? मैंने कहा तुम आ जाओ, अब तो ये आ गए तुम आ जाओ हमारे यहाँ। कह रही नहीं 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 अब जब आप तुम्हारा दोबारा आप आओगे ना उसके बाद मैं आऊँगी यहाँ। नहीं हमारा तो बिल्कुल आने का दिल नहीं कर रहा था मम्मी, मतलब इतना खाना पीना पापा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी और के घर में, ऐसा लग रहा था हमारा ही घर है ना। वो तो फोन पे बात करके ही पता चल गया था ना, लखन भैया से मैंने फोन पे बात की थी, फोन पे मतलब एक बार बात करने से पता लग जाता है। चले गए ना लखन भैया कह रहे रोना आ रहा है उनको हम से ले गई ना, इतना मतलब हो गया अटैचमेंट। तो भैया ये कैमरे की पहली वीडियो हमने शुरू कर दी है, तो कुछ कहना चाहोगे? मतलब ये बहुत ही जबरदस्त लेंस लेके आए हैं और इस बार का जो ना इन्होंने कैमरा कलेक्शन जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। पहले बीच में दो बार ऐसा हुआ कि हमारा जो कैमरा लेके आए ना वो कैमरा कालू भैया, एक कालू भैया के पास है और एक और है, वो उनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम लखनीत भाई के घर से निकले थे नियर अबाउट 1 बजे, तो अभी 5 बज गए हैं और बस चाय आ गई है, चाय पी के और थोड़ी देर कमर सीधी करेंगे। ठीक है आप तीन दिन से सफर कर रहे हो ना, पूछ मत, बहुत गंदा सफर था। चाय पी लो और कपड़े चेंज करके रेस्ट कर लो। चीकू ट्यूशन गया था बेटा? गया था, बहुत अच्छी पढ़ाई। आप आज मैम ने बोला कि मैं चच्चू वो क्या बोला था अच्छा अच्छा मैं कल गई थी इसके ट्यूशन ना, तो मैम ने बोला अब इसका बिल्कुल ब्रेक मत करना, ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है अब दोबारा। माशाल्लाह चीकू चच्चू से बोला मैं अभी क्या बोला था मैम ने, चीचू चाचू ना तंग है अपने कैमरे में, कुछ भी नहीं बोला मैम ने तो। झूठ मत बोलो, कल मैं गई थी मैम ने बोला था मुझे, आज तो कुछ भी नहीं बोला था ना। बोला था क्या? हां बोला था। अकेले के लिए घुमाती है ना
वैसे भी तेरी भी गलती नहीं है, मैंने मना कर दिया था चीकू की वजह से ना। चल तुम चेंज मत कर ले, चाय बक्से रखी है। नहीं चाय अंदर रख दी। उठा क्यों नहीं चीकू? आज से बेटा नियम है और नियम बताएंगी मम्मी। नियम ये है कि आप रात को 9 बजे सो जाओगे और सुबह उठोगे, उठते सबसे पहले क्या करोगे मम्मी बताएगी। मतलब मेन ये है कि 9 बजे उठना है और जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग जागना है, क्योंकि हमारा जो दिन है ना वो पूरा सोने में निकल जाता है ना गुरु। तो अभी अभी पायल ने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मजा आ जाएगा, कमाल की वीडियो है। और उसमें दिखाया गया है कि पायल बूढ़ी होके कैसी लगेगी। बहुत ही क्यूट लगूंगी मैं बूढ़ी होके, अभी तो देखो मैं जैसी भी लगती हूँ लेकिन बुढ़ापे में सच में बहुत ही क्यूट लगने वाली हूँ मैं। तो मजेदार ऑमलेट, और नीचे जिम्मी देख रहा है। ऑमलेट खाना है? ऑमलेट गोलू है, जिम्मी को अंडा दियो। दिया थे बेटा, 2 अंडे दे चुकी मैं इसे, अब और नहीं, गर्मी हो जाएगी फिर इसको ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मत। कहीं बाहर जाने की इच्छा है क्या? हाँ जी। कहाँ जाना? देखती हूँ इधर उधर घूम, 2 दिन से घर के अंदर पड़ी हूँ। अभी मजा भी थोड़ा ना, बाहर मौसम में ऐसी धूप सी है, थोड़ी और छाया हो जाएगी फिर चली जाऊंगी। तुझे भी जाना है क्या? जहाँ पाल जाएगी वहाँ तो मैं जाऊंगी, 2 दिन से मैं बड़ा मिस कर रही थी। अच्छा, तो भैया जबरदस्त से पकोड़े खाए जा रहे हैं, लड़की देख रहे हो, मतलब घर आते ही पकोड़े शुरू कर दिए। चीकू मम्मी ने है ना? पापा। हाँ जी। स्पाइडरमैन। कौन स्पाइडरमैन? गोलू को मकड़ी काटी है ना, जिसने मकड़ी ने काटा, तो चीकू मुझे कह रहा था स्पाइडरमैन। मतलब दुनिया की किसी भी कोने में आप चले जाओ, पर घर जैसी जो नींद है ना वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। पर और आप सिर्फ 1.5 घंटा सोए हो है ना, नींद पूरी होगी ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ना बाटा सूर्य, ना बाटा सूर्य, ना बाटा सूर्य। क्या सिखाया पाजी तूने? मैंने नहीं सिखाया, खुद सिखाया गुड्डू। चीकू मूवी देखने चलना है? हाँ जी। कौन सी? यार बाबा मैं सबसे नफरत ना मुझे उस मूवी से है जिसमें ना हम लास्ट टाइम देख के आए थे। हाँ जी। जिम्मू बेटा कहाँ हो गया, बहुत देर से। अब ये ना आपके पीछे स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, आपके कमर के पीछे था, और ऐसे जैसे गुफा में से नहीं निकलते पानी से तैरते है, ऐसे निकल के आपके यहाँ से आया मेरे पास। मम्मी क्या कर रही है? जी अपना वो बना देगा उसको, मैं कार्टून बना रही हूँ पाल का। तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हर सैटरडे संडे हमारा बहुत ही अच्छा शूट आने वाला है, क्योंकि अब हमने सोचा है कि हम हर सैटरडे, पहले भी सोचा था पर कर नहीं पाया, अब दीपक आ गया घर पे, तो हर सैटरडे संडे नया लुक के साथ हम शूट करेंगे। इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक बात, जिसने अभी तक नंबर 1 रिकॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 30 तारीख को आने वाला है, मिस ना हो जाए। बाय बाय।